नशा मुक्त हरियाणा अखंड भारत को लेकर हरियाणा सरकार का सहयोग करते हुए स्कूल की ओर से 10 किलोमीटर लंबी युवाओं को जागरूक करने के लिए हाफ मैराथन दौड़ का किया गया आयोजन। मेरा उद्देश्य है जो आजकल युवाओं में नशे का जो चल रहा है ज्यादातर प्रचलन, उसे दूर करने का मेरा उद्देश्य है कि नशा जो अभिशाप है वो समाज में बहुत बड़ी कुरूपि के रूप में फैला हुआ है, ये ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो और बच्चों के अंदर क्योंकि संस्कारित भाषा में एक परिवार को संभालने की एक आदत बने, तो इसी उद्देश्य को लेकर हमने पूरे प्रशासन के साथ मिलकर ये अपना मुहिम चलाई कि नशा मुक्त भारत और अखंड भारत के लिए जो मैराथन की हुई, लगभग इसमें 5,000-5,500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और पूरे ढंग से बच्चे तो बहुत काफ़ी दूर दूर से रोहतक से सोनीपत से बताते हैं, हापुड़ के बच्चे हैं जिन्होंने पोजिशन और सेकंड पोजिशन दी। जो जीते हैं उन बच्चों को क्या इनाम दिया गया है? उन बच्चों के लिए जैसा कि पहले कहा गया था कि लाखों रुपये के प्राइज दिए जाएंगे, तो लगभग 5,500 रुपये पहले 10 टॉप 10 को दिए गए और सर्टिफिकेट और मेडल गोल्ड मेडल दिया गया। सेकेंड जो पोजिशन पर जो टॉप यानी कि 11 पोजिशन से लेकर 20 पोजिशन तक जो आए हैं उन्हें 3100 रुपये दिए गए और मेडल सिल्वर मेडल और सर्टिफिकेट दिया। और जो थर्ड पोजिशन पर जो रहे हैं वो 31 पोजिशन से लेकर और नहीं सॉरी 21 पोजिशन से लेकर 30 पोजिशन से उन्हें 3100 रुपये दिए गए, बाकी 31 से लेकर 50 तक की पोजिशन के बच्चों को 500 रुपये तक एक कंसोलेशन प्राइज शाबाशी के लिए दिया गया है। सर्टिफिकेट सभी को दिए, जो पार्टिसिपेंट 5,000 आए सभी को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया। जागरूक होंगे लोगों को, मुझे लगता है कि यूथ में इस बात की कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आएगी और मैसेज जाएगा कि हम नशे से दूर रहें। गर्ल्स ने भी पार्टिसिपेट किया? हाँ, लड़कियों को जो लड़कियाँ जब भी फर्स्ट सेकंड में पहली पोजिशन में आई नहीं थी, लेकिन हमने लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए पहली टॉप 3 जो लड़कियाँ थी उनको भी 3100 रुपये से प्राइज दिया।